सही है यार, वीकेंड आ गया। करूं क्या लेकिन, मैं समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मूवी देख कर आती हूँ। कौन सी मूवी देखूँ? लेकिन कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 देखती हूँ, कुछ नैन सुख प्राप्ति हो जाएगी। वैसे ही हस्बैंड का मुंह देख देख कर बोर हो गई हूँ घर पे। फटाफट से टिकट बुक कर लेती हूँ। चलो भैया, टिकट्स तो बुक हो गई। अब एक काम करती हूँ, फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और निकलती हूँ। पहनूँ क्या लेकिन मैं? जीन्स, सूट? नहीं यार, बहुत ट्रेडिशनल है। शॉर्ट ड्रेस? नहीं हो पाएगा। पहनूँ क्या आखिर मैं? समझ नहीं आ रहा, पहनूँ क्या? सेम कन्फ्यूजन। तो इस वीडियो को आगे तक नहीं, अंत तक देखना। मैंने इसमें आपकी और अपनी दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहला ऑप्शन है ये कोऑर्डिनेट सेट, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और मुझे सबसे अच्छी इसकी खास बात ये लगती है कि ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। फ्लोरल प्रिंट का है, समरिश कलर है, एकदम अच्छा लगता है पहनने के बाद में, और बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। बहुत कंफर्टेबल रहता है, वेस्ट से भी बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप आराम से इसमें वॉक कर सकते हो, चाहे तो आप डेट नाइट पे जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, हर चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं होता, पीछे से भी बैक इसकी क्लोज रहती है, तो काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है। सो आई वुड से इट्स अ गुड ऑप्शन टू वेयर। एज अ सेकेंड ऑप्शन आप ट्राई कर सकती हैं ये मैक्सी ड्रेस, जो कि समर्स के लिए एकदम अप्रोप्रिएट होती है, एकदम एयरी रहती है और पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको कुछ भी मिक्स एंड मैच नहीं करना है, जस्ट ड्रेस पहनी एंड यू आर गुड टू गो। मोर ओवर, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो इसमें इस तरह की स्ट्रेचेबल मटेरियल है, तो आप आसानी से इसको पहन सकते हैं। इसकी स्लीव्स भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं। ओवरऑल आई वुड से इन केस अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं या कहीं भी बाहर जा रहे हैं, इस तरह की आउटफिट काफ़ी कंफर्टेबल एंड ईजी टू वेयर रहती है। अगर तुम कुछ इंडियन पहनना चाहते हो तो उस केस में आजकल ये काफ्तान्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। इसको आप एज अ काफ्तान ड्रेस या फिर किसी बॉटम के साथ में पैरअप कर सकते हो। देखने में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और स्टाइलिश लगते हैं। इसे आप ड्रेस अप या ड्रेस डाउन भी कर सकते हो। मैंने इसको पहना है चंकी इयररिंग्स के साथ में, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी। मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।